मैं आपको बताने बोलूँ कैसे अपना मोटो Z85 में आप किसी भी ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे आप किसी भी ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे और आपको बता दूँ कैसे किसी भी ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करनी है। ऐसा ही ब्लूटूथ ले लीजिए, कोई सा भी कंपनी का, रियलमी बॉट या फिर किसी भी कंपनी का। चलिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे फोन को ऑन करता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए ऑन हो गया। ऑन होने के बाद मैं लाइव प्रूफ आपको कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सेकंड में आपको कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं कनेक्ट हुआ तो अभी मैं आपको सामने लाइव प्रूफ कनेक्ट करके आपको बताऊंगा 100%। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए और सर्चिंग लेने दीजिए, थोड़ा सा सर्चिंग ले लीजिएगा। तो आपको सर्चिंग नहीं ले रहा तो क्या करना होगा, सिंपली आपको ब्लूटूथ को ले लेनी होगी और यहाँ पे तीन बटन आपको दिख रहा है, प्लस माइनस और एक पावर बटन जो कि हर ब्लूटूथ में रहता है। तो सिंपली क्या करना है, आपको पावर बटन को क्या करना है 5 से 10 सेकेंड तक आपको प्रेस किए रहना है। चलिए मैं प्रेस किए रहता हूँ और यहाँ पे जैसे ही प्रेस किए रहिएगा और यहाँ पे देख लीजिए वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 करके आ जाएगा जो कि ब्लूटूथ का नेम रहेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपका 100% पेयर कीजिएगा। पेयर करने के बाद 100% आपको कनेक्टेड हो गया एक्टिव, 100% बैटरी है और ऊपर में देख लीजिए आपको यहाँ पे ब्लूटूथ भी कनेक्टेड हो गया। तो इससे क्या आप अपने मोटो Z85 में आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियोज़ तो वीडियोज़ को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।